हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन भरवा, इसे मसाला बैंगन भी कहते हैं। आज हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बैंगन भरवा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम 5 बैंगन लेंगे और इसे एक बैंगन को 3 टुकड़े में काटेंगे। आप चाहे तो 2 टुकड़े में भी काट सकते हैं। बारी बारी से हम इसे काटेंगे। अब हम इसके बीच वाले हिस्से को निकालेंगे बारी बारी से। आप चाहें तो इसे चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। ध्यान से निकालें इसके बीच वाले गुदे को, यदि चाकू से निकाल रहे हैं तो, क्योंकि ये आपके हाथों को भी लग सकती है। तो इस प्रकार से हम बैंगन के गुदे को निकालेंगे। ये बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा इसका बीच का गुदा। तो बारी बारी से हम सभी बैंगन को इसी तरह से इसके बीच वाले हिस्से को निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारा सारा बीज का गुदा निकल गया है बैंगन का। इसके लिए हमने टमाटर लिया है 2 बड़े साइज का, प्याज 250 ग्राम के आसपास और 10 से 12 मिर्च लिया है हमने। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे और बैंगन को डालेंगे। बारी बारी से डालेंगे। हमने 2 भागों में बैंगन को डाला है। आधी बैंगन को अभी डाल दिया है और आधी बैंगन को बाद में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाता है। बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएं। और यहाँ पे हमने लहसुन इसमें ऐड कर दिया, पकने के लिए दे दिया है 2 साबुत लहसुन, ताकि इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। इसमें डाल के आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो हमारा बैंगन देखिए फ्राई हो चुका है और इन सबको निकाल लेंगे। और फिर से डालेंगे जो हमारा बचा हुआ बैंगन था और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे हम निकालेंगे। हमने लहसुन निकाल लिया है पहले ही, कि लहसुन हमारा पक चुका था। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे इसका मसाला तैयार करने के लिए, जो बैंगन में हम डालेंगे, और फिर प्याज डालेंगे और मिर्ची। इसे ढक के लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिला के इसे ढक के पकाएंगे। तो हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें हमने जो बैंगन का बीज का गुदा निकाला था तो उसे डालेंगे, क्योंकि इसका हमें मसाला तैयार करना है। तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा फ्रेंड्स। इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे।
तो ये देखिए हमारा ये फाइनली लगभग पक चुका है, बैगन भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और जीरा मिर्च का पेस्ट हमने तैयार किया था। अदरक हमने 2 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल किया था, 10 से 12 लहसुन की कलियां और आधी चम्मच जीरा और कुछ मिर्च, सारे को हमने मिक्सी में पीस लिया था। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को फ्रेंड्स हम लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे डालने के बाद। और टमाटर को लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर। और आधी चम्मच के आसपास हमने सब्जी मसाला का प्रयोग किया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारा कढ़ाई छोर ना दे। देखिए हमारा मसाला लगभग भुन चुका है, हमने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद 102 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। ये फाइनली हमारा पक चुका है, मसाला भुन चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम मसाले को निकालेंगे। आधी मसाले को हम निकाल लेंगे। क्योंकि आधी मसाले को हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसे अच्छे से निकाल लेंगे। आधी मसाले को हम बैगन में भरेंगे और आधी का ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अब हम देखिए इसको भरेंगे। इसे आप चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से इसे अच्छे से भर सकते हैं आप। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। खाने में अगर बैगन का भरवा मिल जाए तो फिर उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। इसे हम बारी बारी से इसी तरह से भरेंगे। सारे बैगन को इसी तरह हमने भर लिया है। तो हमारा बैगन का भरवा बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसे आप चाहे तो रोटी के साथ, चपाती के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें अभी इसकी ग्रेवी बनाना हमें बाकी है। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं इसका। ग्रेवी बनाने के लिए हमने आधी मसाला को जो कढ़ाई में छोड़ा था उस पर हम पानी डालेंगे।
और लहसुन हमने जो पकाया था, फ्राई किया था, उसको हम डालेंगे और थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पानी यहाँ पे डाला है। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किस हिसाब से आप इसका थिकनेस रखना चाहते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी आधी आधी चम्मच मसाला और ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ग्रेवी तैयार किया है, इसमें पानी डालेंगे तो हमारा मसाला फीका हो जाएगा। अब हम इसमें भरा हुआ बैंगन इसमें डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो फाइनली हमारा मसाला ग्रेवी तैयार है, बैंगन मसाला ग्रेवी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हमने इस प्रकार का थिकनेस रखा है इसका फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब बना है, देख के मुंह में पानी आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। ये दिखने में जितना अच्छा है उससे ज्यादा कहीं इसका टेस्ट है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी की बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।